और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 यानी क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2। और क्वेश्चन संख्या जो है 1 आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देंगे। हमने ऑलरेडी क्लास 9th में गुणनखंड सीखा है और क्लास 10th में भी हमने सीखा था। कब? बहुपद में। बहुपद में जो है हमने गुणनखंड सीखा था, लेकिन जो है हमें मूल निकालना नहीं पता था। तो आज जो है हम लोग मूल निकालना सीखेंगे। गुणनखंड का निकालने के बाद हमें मूल निकालना होता है। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल का 0। यानी इसमें करना क्या होता है कि पहले वाले में और आखिरी वाले में क्या करना है, गुणा करना है। यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 10 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एक्स का स्क्वायर। क्लियर? और जोड़ और घटाव करने पे, जोड़ या घटाव करने पे हमें प्राप्त होना चाहिए माइनस का 3। तो ऑब्वियस है कि अगर आप 5 में 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूना तो 10 आ गया आपके पास, ठीक है। अगर चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो 5x गुणे का 2x अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर हमें माइनस 3 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम माइनस एक्स गुणे 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। देखिए माइनस तो हम माइनस रखेंगे नहीं अभी, इससे माइनस कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए इसमें से बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो माइनस का 3x आ गया कि नहीं, आ गया आपके पास। माइनस 3 भी आ गया, गुणा करने पे आपके पास 10 भी आ गया। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा तो कैसे करना है, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल का जी। अब हम एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखते हैं, माइनस कितना 5x, अब प्लस का कितना कर देंगे हम 2x, यानी 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। माइनस का 10 बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें से x एक कॉमन कर लेते हैं तो 1x आपके पास बचेगा और माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा। x में x भाग देते x खत्म हो जाएगा और 5 बच जाएगा। प्लस 2 को हम कमर अगर करते हैं तो 2 में एक्स करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, एक्स वगैरह 2 में 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इक्वल का 0 है तो हम 0 लेते हैं। ये अगर दो संख्या, ये संख्या और ये वाली संख्या, अगर दोनों संख्या आपके पास बिल्कुल बराबर आ रहा है तो समझिए कि आपका गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। अगर यह दोनों अलग अलग आता हो तो गुणनखंड आपका क्या है, गलत है। तो यह मेरा यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि गुणनखंड मेरा सही है। इस दोनों में से एक संख्या लेंगे यानी x माइनस 5 और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक बार ले लेंगे x प्लस का। यहां तक गुणनखंड आपने सीखा भी है और गुणनखंड आपने आराम से कर भी लिया है। अब हमें मेन टॉपिक मेरा निकालना है क्या, मूल। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है कि एक्स माइनस 5 इक्वल का हम कर देंगे क्या, 0 यानी 0। तो x बराबर क्या करेंगे, 0 या माइनस है तो प्लस का 5, यानी x बराबर कितना आपके पास आ गया, 5, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस का 2 बराबर का 0। तो x बराबर 0 माइनस का कितना, 2। तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 2। लिख लीजिए फिर, इसीलिए मूल बराबर कितना हो गया, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। तो बोलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में तो बता सकते हैं मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यानी आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप मेरे सबसे पहले लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। बिल्कुल आसान तरीका से जो है आपको गुणनखंड सिखाया जाएगा और बिल्कुल धीरे धीरे सिखाया जाएगा, मुझे हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। 1 घंटा लगे
डेढ़ घंटा लगे लेकिन आपको गुणनखंड मुझे सिखा देनी है। चलिए क्वेश्चन संख्या एक का दो नंबर पे फिर चलेंगे हम। एक का दो नंबर क्वेश्चन, फिर गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल है, देखेंगे। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्व। अब यहां रफ में एक बार ले लेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल का 0। यानी पहले वाले और आखिरी वाले में क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो 6 में 2x स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12x स्क्वायर आया। और जोड़ने घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना करना है, आपको 1 प्राप्त करना है। यानी आप कितना से गुणा कर दीजिएगा तो ये बराबर आ जाएगा। यानी 4 में गुणे 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दिए कितना हो जाएगा, 12, ये आ गया। यानी कि 4x इंटू का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे कर सकते हैं, माइनस का 4x गुणे 3x में करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी तो आपके पास 12 आ जाएगा। 6 दूना 12x स्क्वायर आएगा। और जोड़ने और घटाने पर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। यानी कि 4 3 12, यहाँ आप प्लस करिए और यहाँ माइनस करिए, माइनस 3 कर दीजिए, तब यह हो जाएगा। 4 3 12 बड़े में छोटा घटाएगा बढ़ेगा चेन, यानी कि प्लस का 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल का 0। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल का 0। अब यहाँ 2x है तो हम 2x को कॉमन कर लेते हैं, एक तो कितना बचेगा आपके पास, एक x बचेगा। 2 में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2। माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए कितना बचेगा, x, 3 2 कितना, 6। यहां से दोनों संख्या देखिए आपके पास इक्वल मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों संख्या जो है आपके पास इक्वल मिल रहा है, कोई दिक्कत यहां नहीं दिख रही है। यानी कि आपका गुणनखंड जो है क्या है, बराबर है बिल्कुल, तो यानी कि यह सही है। अभी दोनों संख्या में से एक संख्या ले लेनी, यानी x प्लस का 2, और ये संख्या और ये संख्या लेनी, यानी कि 2x माइनस का 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, मूल निकालनी है। तो मूल निकालने के करेंगे, x प्लस का 2 इक्वल का 0, और दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल का 0। यानी x बराबर 0 माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब 2x इक्वल का 0 प्लस का कितना, 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x इक्वल कितना होगा, 3 अपॉन का 2, यहां लिख लीजिए। इसीलिए मूल बराबर x इक्वल माइनस का 2 और x इक्वल 3 अपॉन का 2, यही जो होगा आपका आंसर। तो बिल्कुल ही आसान रहा। अब चलते हैं एक का तीन नंबर। ऑलरेडी इसके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन करेंगे हम। यहां दिया गया है कि फिर गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, लेकिन यह अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 2 10। यानी कि जब आप यहां सॉल्व लिखिएगा तो कैसे करना है आपको, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का कितना करेंगे यहाँ पे 2x, 5 2 10 हो गया। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 2 10, और जोड़ने घटाने पर 7 आ गया। और प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इक्वल का कितना करेंगे हम, 0। अगर हम x को कॉमन करते हैं तो कितना आपके पास आएगा, यहाँ पे अंडर रूट का 2 आ जाएगा और एक x आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस का कितना आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट प्लस अंडर रूट अगर हम 2 कॉमन करते हैं तब तो ये आएगा इसका मान में अंडर रूट 2x, और प्लस का कितना, 5। ठीक है, इस दोनों संख्या देखिए, ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है, तो इसमें से एक संख्या ले लेते हैं अंडर रूट 2x प्लस का 5, और एक यहां ले लेते हैं x प्लस अंडर रूट 2। क्लियर, यहां कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत है यहां, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप इसका मूल ज्ञात करिएगा, मूल जब आप इसको निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा मूल, यानी कि अंडर रूट 2x प्लस का 5 इक्वल का 0, और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल का कितना, 0।
अब देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू रखते हैं एक्स इक्वल जीरो माइनस का फाइव, यानी अंडर रूट टू एक्स बराबर कितना माइनस का फाइव। जब एक्स कॉमन करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का फाइव अंडर रूट का टू, ये जो हुआ आपका एक हो गया। दूसरा एक्स इक्वल जीरो माइनस का अंडर रूट टू, यानी एक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट टू, ये आपके पास आ गया। इसीलिए मूल बराबर क्या लिखिएगा, एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट टू, एक्स इक्वल माइनस फाइव अंडर रूट का टू, यही जो होगा आपका फाइनली आंसर होगा। तो दो नंबर भी तीन नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन संख्या इसमें का फोर देखेंगे, एक का फोर, वन का फोर देख लेंगे हम। यहां बोला टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन का एट, यानी कि यहां जो है आपको करना है टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन का एट, यानी यहां आप अगर वन लगा लेते हैं या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या बटा का जोड़ बनाते हैं तो मान जो है आपका वही आएगा। ठीक है, अगर इसको हम बटा का जोड़ लेके चलते हैं तो आठ आठ में आठ कर तो आठ एक्स प्लस का कितना होगा एक, तो आठ ये बचा, आठ में ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ दूना सोलह एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आठ एक्स प्लस का कितना होगा आपके पास वन इक्वल का जीरो, गुना करने पे जो है हमें इतना प्राप्त होगा। तो इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन को एक बार नोट करके जो है इसको इस हिसाब से लिख लेंगे, यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन का एट इक्वल का कितना जीरो, यानी जब इसे तोड़े हैं तो कितना है सोलह एक्स स्क्वायर माइनस का आठ एक्स प्लस का वन इक्वल का जीरो, यह गुना करने पे जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए 16 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और 8 हमें लाना है तो चौचौ का 16, यानी 4x माइनस का कितना 4x प्लस का 1 इक्वल का कितना जी। क्लियर, यहाँ पे हम 4x को अगर कॉमन करते हैं तो चौचौ का कितना 16x माइनस का 1 हो जाएगा। अगर माइनस हम 1 यहाँ कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का कितना 1 इक्वल का जी। ये देखिए दोनों अंक आपके पास क्या आया, बराबर आया बिल्कुल, यानी कि दोनों संख्या में से एक संख्या ले लेनी है माइनस फोर माइनस का वन, इसमें से एक संख्या दोनों लेनी है फोर एक्स माइनस का वन। अब हमें क्या निकालना है, मूल निकाल लेना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि फोर एक्स माइनस का वन इक्वल का जीरो, यहाँ भी फोर एक्स माइनस का वन इक्वल का जीरो, यानी कि फोर एक्स बराबर क्या करेंगे जीरो प्लस का एक, तो 4x बराबर क्या करेंगे आपके पास आया 1, तो x को कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन का 4 एक हो गया आपके पास। दूसरा उसी प्रकार करेंगे कि 4x इक्वल का 0 प्लस का 1, तो x बराबर कितना करेंगे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 4, यानी जब आपने मूल निकाला कितना कितना का आया भाई, x का कितना वैल्यू आया 1 बटा का 4 और दूसरा भी x का वैल्यू आया 1 बटा का 4, तो यह जो हुआ परफेक्ट आपका। तो चार नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी ढंग से हो गया। अब हम चलेंगे आगे पांचवे नंबर क्वेश्चन पे, एक का पांच नंबर, यानी कि 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1। जब हम सॉल्यूशन करेंगे 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल का 0। अब यहां हम देखेंगे कि 100 यहाँ पे 20 है, 10 दहा का कितना करेंगे 100, यानी कि 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x, 10 10 20 10 दहा का 100 प्लस का 1 इक्वल का 0। यहाँ अगर हम 10 कॉमन कर लेते हैं 10x तो कितना हो जाएगा 10 दहा का 100 10x माइनस का 1, यहाँ माइनस 1 अगर कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल का 0, यानी दोनों संख्या आपके पास बिल्कुल बराबर है। इसमें से एक संख्या ले लेंगे 10 माइनस का 1 और यहां भी कर देंगे 10 माइनस का 1। अब मूल आपको निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करना है आपको कि 10x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 10x बराबर क्या करेंगे 0 प्लस का 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा का 10। वैसे ही इसको भी करेंगे 10x माइनस का 1 बराबर का 0, यानी कि अब हम कर लेंगे 10x बराबर 0 प्लस का 1,
तो 10x बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना है 1 बटा का। तो यानी कि मूल जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, मूल आपका x बराबर 1/10 और फिर 1/1/10, यही जो है फाइनली आपका आंसर होगा। तो बोलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन संख्या 2 दिया गया है कि उदाहरण एक में दी गई गई समस्याओं का हल कीजिए। यानी आप अपने बुक से देख लीजिएगा उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 1 जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपके बुक में, उदाहरण संख्या 1। और उसमें यही बोला गया है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को। तो उदाहरण 1 में जब जाइएगा तो उदाहरण में 2 क्वेश्चन मिलेगा, उदाहरण संख्या 1 और उदाहरण संख्या 2, दोनों संख्याओं को जो है हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, दोनों कितने कंचे खोते हैं, पांच पांच कंचे खो देते हैं। और अब से उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है, 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। यही क्वेश्चन जो है आपको निकालनी है और यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराने की यहाँ जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जॉन और जीवांती कितने हैं, दो बच्चे हैं और दोनों के पास जो है कितने कंचे हैं, टोटल मिलाकर 45 कंचे हैं। और 45 कंचे में से पांच पांच कंचे उसने वो दोनों ने क्या करते हैं, खो देते हैं। तो कंचों का गुणनफल जो है 124 दिया गया है। यानी कि जब आप इससे सॉल्यूशन करिएगा ना, तो सबसे पहले लिखना होगा आपको माना कि, क्या करना है, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या निकाल निकालना है। हम लिख लेते हैं यहां पे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या यहां पे x, कोई दिक्कत। और जीवांती के पास कंचों की संख्या यानी टोटल कंचे कितनी है, 45। तो 45 माइनस का हम क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, क्योंकि जॉन के पास भी 45 कंचे हैं और जीवांती के पास भी जो है 45 कंचे हैं। लेकिन दोनों का कंडीशन यहां बन रहा है कि पांच पांच कंचे खो देते हैं। तो यानी 45 माइनस का x, यानी खोना मेरा गुम होना, यानी आपके पास 50 रुपये हैं और 50 रुपये से 5 रुपया अगर हमको आप दे देते हैं तो 5 रुपया जो है आपका क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो पांच कंचे जो उसने खोया तो उसका तो लॉस ही हुआ, तो इसलिए हमने लिखा 45 माइनस का एक्स। प्रश्न से क्या बोला है इस चीज को थोड़ा सा नोट करेंगे हम बिल्कुल, और प्रश्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आते हैं फिर हम, कि पांच कंचे खोने पर, पांच पांच कंचे दोनों खो देते हैं, यानी पांच कंचे कौन खोता है, जॉन पांच कंचे खोता है। तो हम यहां लिख लेंगे डायरेक्ट पांच कंचे खोने पर किसके पास, जॉन के पास पांच कंचा हुआ था, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब पांच कंचा खोया है तो, यानी कि पांच कंचा लॉस हुआ है तो यानी एक्स माइनस का 5 हम करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है। और जीवांती के पास कंचों की संख्या, जीवांती के पास कंचों की संख्या टोटल कितनी है, देखिए 45 माइनस का x, यानी कि 45 माइनस का x हम कर लेंगे पहले यहाँ, और माइनस का कितना करेंगे 5 करेंगे, तब तो आएगा मेरे पास 40 माइनस का x। तो यह आपका 40 माइनस का x आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कंचों का गुणनफल, तो कंचों का गुणनफल कितना है, टोटल दिया गया है 124, तो 124, ठीक है। तो गुणनफल, तो यहां हम देखेंगे यहां कंचों की संख्या आपको निकालनी है ना, कंचों के कितने, उनके पास कितने कंचे थे, तो कंचों का कितने कंचे थे, पांच पांच कंचे खोने के बाद, यानी कि x माइनस का 5, तो x माइनस का 5 हम रख लेते हैं।
अब जीवांती का भी तो रखेंगे हम, 40 माइनस का x, 40 माइनस का 1, टोटल गुणनफल कितना है बराबर 124। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे हम पहले वाले में इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में तो 40 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 40x, और फिर x में जो है माइनस x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आ गया। अब देखिए फिर क्या होता है, जो फर्स्ट वाले से करें तो सेकेंड वाले से करेंगे, इसमें इसमें 4 पंजे कितना 20, यानी माइनस का 200, और फिर 5 से किसमें लेंगे, एक्स में, तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 124। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रखते हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ प्लस का कितना है, 40x है तो 40x रखते हैं, और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 40, प्लस का कितना है सॉरी 5x, 45 हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ इक्वल है तो इक्वल रखते हैं, 124 है तो 124 रखते हैं, या माइनस है तो प्लस का हो जाएगा कितना 200, यानी कि आपके पास आ गया कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 45x, और इक्वल में कितना आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ आया आपके पास कितना 2, हाँ 2 1 3, 324। यानी कि अब आप यहाँ पे गुणनखंड कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे आराम से गुणनखंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, यानी कि अब इसका पक्षांतर जब सही ढंग से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस का 45x, और ये प्लस है तो फिर हो जाएगा माइनस का 324। ये पक्षांतर हमने कर लिया, इक्वल का यहाँ हमने कर लिया 0। अब देखिए पहले वाले और आखिरी वाले में गुना करना है, तो गुना करने पे कितना आना चाहिए आपके पास, कितना 324, और जोड़ने घटाने पर 45 आना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट आप 36 में 9 से गुना कर देते हैं तो यह चीज जो है आपके पास बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x माइनस का 324 इक्वल का 0। हम x को कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस है कितना 36, माइनस अगर हम 9 कर देते हैं कॉमन तो x माइनस है कितना 300 सॉरी 36, क्लियर। अब देखिए दोनों अंक जो है आपके पास बिल्कुल बराबर आ गया, इसमें से एक अंक ले लीजिए x माइनस का 36, और यहां से लीजिए x माइनस का 9। अब इसका जो है मूल आपको निकाल लेनी है, तो मूल निकालना बिल्कुल आसान है, x माइनस का 36 तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो सकता है, ठीक है, माइनस है तो प्लस में ये बदल जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया है माइनस 9, x बराबर x माइनस 9 इक्वल का 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 9, तो यह दोनों जो है मूल आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बोलिए क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया, यस या नो। बिल्कुल आ गया समझ में, चलिए इसके उदाहरण संख्या जो है हम 2 देखते हैं, थोड़ा सा इसका उदाहरण कितना देखेंगे, 2 देखेंगे। तो उदाहरण 2 में बिल्कुल आसान है, ये भी यहां बोला है 2 नंबर उदाहरण में क्या बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ओके, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 रुपया। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है थी। हम उस दिन का निर्माण में किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक छोटा सा उद्योग या कंपनी है जो खिलौना निर्माण करता है, और प्रत्येक खिलौने का मूल जो रखा गया है कितना, 55 रुपया। लेकिन एक दिन क्या किया गया है, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या किया है, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। उसमें से संख्या को घटा दिया गया है, कितना घटाने घटाया गया है ताकि एक फिक्स प्राइस हो सके ना, तो उसकी पूरे निर्माण कुल लागत, एक दिन की कुल लागत जो है 750 रुपये, तो कितने खिलौने जो है वह निर्मित करता है, यही चीज जो है आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, इसको बिल्कुल आसान है ये भी सॉल्व। एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या निकाल लेते हैं, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या,
हम मान लेते हैं आपने मन से क्या x, तो यहां हमने छोड़ दिया है, लिख देंगे माना कि, ठीक है, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। खिलौने का मूल्य में जो है 55 रुपये खिलौने का मूल्य है, लेकिन निर्माण की किए गए दिन में खिलौने की संख्या को क्या क्या है घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी एक दिन का जो खिलौना बना है उसमें से हमें घटाना है एक खिलौने का मूल्य। खिलौने का मूल्य बराबर हम क्या कर सकते हैं, टोटल कितना है 55 है, उसमें से हमें घटाना है 55 माइनस का एक्स, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास, कुल खिलौने की लागत, कुल खिलौने की लागत, तो कुल खिलौने की लागत टोटल कितने रुपए हैं, तो 750 रुपए है। तो हम प्रश्न से यहां लेंगे, और फिर प्रश्न से यानी कि टोटल खिलौने की संख्या कितनी है, एक्स है निर्मित की गई संख्या, और यह एक दिन का खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस कितना एक्स, और टोटल लागत कितनी है 750 रुपए। चलिए एक्स में 55 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 55 एक्स माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 750। अब यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस का कितना है 55 है तो 55 एक्स रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस का 750 रुपये करेंगे। जब इसका सही रूप हम जब लिखेंगे, इसका सही रूप बिल्कुल परफेक्ट है, जब इसका हम सही रूप लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 55 एक्स, कहाँ से आ गया यार, हाँ एक मिनट, हाँ प्लस का कितना हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 55 एक्स, सॉरी प्लस, ओहो हट गया दिमाग खराब हो गया, हाँ माइनस सही रूप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस का 55 एक्स, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस का 750। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो हमें जोड़ घटाने में कितना लाना है, माइनस 55 लाना है, तो हम कितना से कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का हम कितना कर दें 30 एक्स, माइनस का अगर हम 25 कर दें तो 55 हो जाएगा, 25 एक्स प्लस का 750। अब यहाँ एक्स एक्स कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा एक्स माइनस का यहाँ 30, यहाँ 25 अगर हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 30, यानी कि एक्स माइनस का 30 एक संख्या ले लेंगे और दूसरे में से एक्स माइनस का 25 ले लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो मूल जब आप इसे निकालिएगा, मूल जब इसका निकालिएगा तो x माइनस 30 इक्वल का 0, तो यानी x बराबर का हम 30 इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, x माइनस 25 इक्वल का 0, तो x बराबर कितना 25, ठीक है, दोनों प्लस में आ गया आपके पास यहाँ। अब देखिए प्रत्येक खिलौने की लागत बोला गया है, तो प्रत्येक खिलौने की लागत कितना हमें निकालना है, ये चीज यहाँ निकालना है ना, तो प्रत्येक खिलौने का लागत, यानी प्रत्येक खिलौने की लागत कितना है भाई, एक खिलौने का मूल्य यानी कि 55 माइनस का एक्स, यानी कि 55 माइनस क्या करेंगे हम 25, यानी कितना आ गया आपके पास यहाँ 25 से 55 जाएगा तो 30, यानी 30 रुपया जो है एक खिलौने की लागत। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 VVI प्रश्न है बिल्कुल, यानी इसे हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां बोला गया ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 180। दो संख्या आपको यहाँ निकालनी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दो संख्या निकाल लेना है, तो हम पहली संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या ले लेते हैं, दो संख्या है तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे एक्स, और दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लें, दूसरी संख्या मान है टोटल योग कितना है 27, यानी x माइनस 27 कर ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा, x माइनस 27 27 माइनस का x, बात तो एक ही है, ठीक है।
अब इसको जो है हम गुणा करके देखते हैं, यानी कि प्रश्न से, यानी कि x है तो x रखेंगे, x माइनस 27 तो 27 रखेंगे, टोटल गुणनफल कितना है 180 बराबर का 180 रखते हैं। x में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में करेंगे तो माइनस का 27x, इक्वल है आपके पास यहाँ पे, तो इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 182 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 182 लाना है गुणा करने पे, और जुड़ने घटाने पे माइनस 27 लाना है, तो कितना में करिएगा ये, अगर आप 14 13 में कर देते हैं, 14x माइनस का 13x में गुणा करते हैं तो 182 आपके पास आ जाएगा प्लस का 182। यहाँ पे x अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस का 14, और यहाँ 13 माइनस कॉमन करते हैं तो x माइनस का 14, यानी दोनों अंक जो है आपके पास बराबर आ गया, यानी गुणनखंड सही है मेरा, तो x माइनस का 1 14 कर लेंगे और x माइनस का 13 कर लेंगे। अब आपको क्या करनी है, इसके मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस का 14 बराबर का 0, तो x बराबर 0 प्लस का कितना 14, x बराबर कितना 14, एक आ गया। दूसरा x माइनस का 13 बराबर का 0, तो x बराबर 0 प्लस का कितना 13, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 13, यह जो है फाइनली आपका आंसर। तो बोलिए बिल्कुल सही लगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहा, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त दिया। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर देखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो प्रथम संख्या हम ले लेंगे, चाहे दो क्रमागत, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ऐसे भी ले सकते हैं। देखेंगे हम यहाँ माना कि लिख लेते हैं पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मान लेते हैं क्या x, ना फिर लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिख सकते हैं x प्लस का 1। ठीक है, अब डायरेक्ट हम प्रश्न से चलेंगे यहां पे, अब यहां बोला गया है कि पहला धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x है तो x रखते हैं, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस रखते हैं। दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना है x प्लस का 1, तो x प्लस का 1 लिखते हैं, और टोटल योग कितना है 365 है तो 365 रखते हैं। लेकिन इसमें बोला गया क्या, क्या बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग 365, यानी सबका जो है हमें वर्ग करना है, x का वर्ग और यहाँ पे इसका भी वर्ग, तब तो जाके मेरा सही होगा, क्योंकि वर्ग बोला है तो हमें वर्ग निकालना है, वर्ग बोला है तो हमें वर्ग तो निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स में स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का वर्ग करिएगा तो 1 ही होगा, इक्वल है कितना 365, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस का कितना है आपके पास यहाँ पे 1, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम अलग हट के ट्रिक से काम करें ताकि जो है आंसर मेरा आ जाए। तो यहाँ पे अलग थोड़ा सा हम काम करते हैं, एक आप लोग को याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ कंडीशन आपका बन रहा है कि एक्स प्लस 1 का जो है यहाँ पे वर्ग दिया है, यानी कि ए प्लस बी का वर्ग दिया है, तो इस कंडीशन में हम चलेंगे तो ताकि ज्यादा बेस्ट होगा, ए स्क्वायर प्लस का क्या करते हैं बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab, यही होता है, इसी पे इसको हम बैठा देंगे, इसको हम मान लेंगे क्या a, इसको मान लेंगे हम क्या b, यही मानेंगे ना a और b, तो चलते हैं हम यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है तो 2 है तो 2 रखेंगे, a कितना है आपके पास x तो x रखते हैं, b कितना है आपके पास 1 तो 1 बराबर का 365, ऐसे करेंगे तो ताकि मेरा आंसर आ जाए। चलो अब इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखते हैं,
प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स स्क्वायर रखते हैं, वन कवर करेंगे तो कितना होगा, वन ही होगा, टू इंटू एक्स इंटू वन यानी कि जोड़ का कितना 2x बराबर का 365। अब देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का यहाँ बचा आपके पास कितना 2x तो 2x रखेंगे, बराबर का कितना है 365 तो 365 रखेंगे, प्लस का एक है तो माइनस का हम क्या कर देंगे एक कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 365। इसी को जो है हमें ज्ञात कर लेना है। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का बचेगा एक्स, अब इसको भाग लगा दीजिए यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 8 = 16 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 × 1 = 182, 182 आ गया। अब यहाँ जो है हमें गुणनखंड निकाल लेनी है, अब क्या करना है हमें गुणनखंड यहाँ निकाल लेना है, तो गुणनखंड हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे यार, अगर लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करते हैं, जोड़ने घटाने पे मेरा एक आना चाहिए, गुणा करने पे 182 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना करेंगे 14, प्लस का 14x और माइनस का कितना करेंगे हम 13x, माइनस का 182, क्लियर। यहाँ कोई दिक्कत, x को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का कितना 14, माइनस अगर 13 को हम कॉमन करते हैं तो x माइनस माइनस प्लस का 14, यानी x प्लस का 14 एक ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे x माइनस का 13। अब हमें मूल निकाल लेनी है इसकी, तो मूल निकालना तो बिल्कुल आसान है, x प्लस 14 बराबर का 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। अब x माइनस 13 बराबर का 0 तो x बराबर कितना 13, माइनस से प्लस में बन जाएगा, यही जो है फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के शायद ये आखिरी क्वेश्चन रहेंगे क्या, मैं देख लो, नहीं, इसके बाद 5 नंबर 6 क्वेश्चन है इसके, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे और समझेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो और 2 अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की रचना हमें करनी पड़ेगी। पहले हमने एक समकोण त्रिभुज यहां बनाया जिसका हम नाम भी रख लेते हैं, चलो इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी और यहाँ पे सी। देखिए समकोण जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार, तो आधार आपका कौन सा होता है, तो ये वाला जो है आपका आधार होता है, ये बात आप मानते हो। अब अगर यहाँ 90° का कोण बना है तो ये सामने वाला क्या होता है आपका कर्ण होता है, और ये आपका क्या होता है लंब होता है यानी कि ऊंचाई होता है, ये तो बात जानते ही आप अच्छे ढंग से। उसके बाद आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को अगर हम x मानेंगे तभी तो हम x माइनस का इसमें सेवन करेंगे क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण ऑलरेडी आपके पास कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है कि आधार आपका कितना होगा, यही तो आपको ज्ञात करना है कि आधार आपका कितना होगा, क्योंकि लंब दे दिया गया है आपके पास x माइनस का कम है, तो हमने आधार को क्या मान लिया, x मान लिया, अगर x आधार को हमने ना मानता तो लंब को हम माइनस 7 तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो x माइनस का हमने 7 किया, कर्ण ऑलरेडी दिया गया है तो हमें आधार फाइंड आउट करना है, तो आधार हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ऐसे कंडीशन में जब 2 चीज दिया होता है और तीसरा चीज निकालना होता है तो हमें एक चीज का प्रयोग करते हैं, कौन से चीज का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा आप
कि कर्ण का स्क्वायर, ये जब क्लास 10th में तो पढ़ ही रहे हैं, जब 8th 9th में जाइए, 8 लेसन 8 और इस लेसन 9 में जब जाइएगा पार्ट 8 और 9 में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। 9 में तो इसको 100% ही करना होता है। तो कर्ण बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर और जोर में होता है आधार का स्क्वायर। तो ये क्लास 10th में ही इसकी बहुत जरूरत है। तो कर्ण ऑलरेडी दिया गया है कितना, 13, तो 13 का वर्ग बराबर। लंब आपके पास दिया गया है x माइनस का 7 का वर्ग, और प्लस आधार आपके पास क्या दिया गया है, x, तो x का वर्ग। अब इसको गुना करते हैं, 13 का वर्ग करिएगा तो 169 आता है, इसका वर्ग करिएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी वाला भी फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस का जो है 2 a, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, b प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी 169 इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 77 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7 दूना कितना, 14x प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यही होगा ना आपके पास। चलिए यहाँ पे माइनस का 14 है, तो हम माइनस का 14 रखते हैं x, और यहाँ माइनस का 49 है, तो हम 49 रखते हैं। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, जो चीज है हमने यहाँ पे सही करके वैसे ही लिख दिया है। अब आपको क्या करनी है कि इसको हम पक्षांतर करेंगे, इसको क्या है, पक्षांतर करेंगे, यानी 169 है, माइनस है इधर, तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपके पास 49, यही होगा ना, यही होगा कि मिस्टेक मैं कर रहा हूं कहीं पे। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, यही गलती हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस है तो इधर आएगा, तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको घटाइएगा तो कितना आपके पास आएगा, 169 में से, 169 में से जो इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, शायद 120 आ जाएगा ना, 120 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का कितना है 14x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 120 बराबर में 0। अब यहां से जो है हमें गुणनखंड करना है, तो 120 में 2 से गुणा करें तो 12 दुना 240, जोड़ने घटाने पर माइनस का 14x आना चाहिए। तो हम कितना से कर देंगे गुणा, अगर तो बराबर आ सकता है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं पहले, तो देख लेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर 7 दुना 14x और 6 दुना 12 माइनस का 60, यही आ जाएगा आपके पास, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको यहाँ होने वाली नहीं। चलिए तो हम बराबर में इसको लिखेंगे ना, यहाँ बराबर में माइनस 120, ठीक है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर का 60। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 5 कितना होता है 60, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 12 5 60 माइनस माइनस का 12x प्लस 5x बराबर का कितना 60, यही होगा ना, और बराबर माइनस, इतना मिस्टेक हो रहा है ना आज, माइनस का 60, यानी एक्स कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 12 प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 12, यानी एक्स प्लस का कितना कर देंगे, 1 5 और एक्स माइनस का 1 कर देंगे हम 12। अब इसका जो है मूल हमें निकाल लेना है, तो मूल जब आई इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 5 इक्वल का 0, तो x बराबर कितना माइनस 5, और x माइनस 12 इक्वल का 0, तो x बराबर 12। हम माइनस वाला अंक नहीं लेते हैं, प्लस वाला ही अंक लेते हैं, तो आधार आपका कितना है, आधार आपका x, यानी कि कितना है टोटल, x माइनस का 7, यही है ना, तो x कितना है आपके पास 12 माइनस का 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना है, 12 7 5, यानी आधार जो है आपका कितना आ गया यहाँ पे भाई, 5 आ गया, तो यही चीज जो है फाइनली आपका आंसर होगा, ठीक है।
चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों में की संख्या से दुगुनी से तीन अधिक है, दुगुनी से तीन अधिक है, याद रखिएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और लागत ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा बोला गया है कि एक छोटा सा उद्योग है जिसमें एक विशेष दिन क्या हुआ है, नव की निर्माण किया गया जिसमें दुगुने से क्या है तीन अधिक है, यानी दुगुना से क्या है तीन अधिक है। तो यहाँ सॉल्व माना कि बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या है यहाँ पे एक्स। तो एक दिन ना कीमत बढ़ाए जी, एक ही दिन देखा गया है तो एक बर्तनों की कीमत कितना हम मान सकते हैं, दुगुना से तीन अधिक है, यानी 2x प्लस का 3 दुगुना से तीन अधिक है। कुल बर्तन कितना है, कुल बर्तन की कीमत यानी लागत कितना रुपया दिखा रहा है, 90 रुपया दिखा रहा है। डायरेक्ट हम प्रश्न से अब ले लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, जहां शुरू किए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। बर्तन की संख्या है x, एक बर्तन की संख्या जो टोटल है कितना है आपके पास 2x प्लस का 3, टोटल लागत कितनी है 90 रुपये, 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर 3x बराबर का 90, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 90। अब 9 दूना 18 जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए, गुणने घटाने पे 3 गुना करने पे 180, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 जब आप करिएगा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का कितना कर देंगे 15x, माइनस का कितना कर देंगे 11x, 12 13 14, अरे कैसे हो जाएगा 15 घटेगा कि नहीं, 11 12 15 12 15 करके देखे तो 12 15 12 15 हुआ शायद, 15 × 12 180। अरे यहाँ क्वेश्चन फंस गया, कहाँ से भाई, नदूना 18 11 × 9 9 10 11 12 9 90 99 आ रहा है यार, ये कहाँ क्वेश्चन फंस गया, कहीं क्वेश्चन जरूर फंस गया भाई, ये कहाँ कितना में करेंगे हम 11 12 में करके देखते हैं, 11 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 12 13 आ जाएगा, 15 12 करते हैं, 15 और 12 15 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 15 12 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, 15 × 12 180। हाँ एक्स माइनस का कितना करेंगे हम 90, यानी 2x को कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा x, प्लस का कितना 15, माइनस 12 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 15, यानी कि 2x माइनस का कितना 12 और x प्लस का कितना 15, यही होगा बिल्कुल फिक्स, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे मूल जब निकालेंगे इसका, तो 2x प्लस का 2 यानी x बराबर 2 अपॉन का 2 आ जाएगा, 2 अपॉन x माइनस माइनस का 12 है, माइनस का 12 तो 12 अपॉन का 2 यानी इसको काट दीजिएगा तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, ये थोड़ा 6 हो सकता है, और x माइनस प्लस का 15 बराबर x माइनस का कितना हो जाएगा 15, तो माइनस वाला लेते नहीं हम प्लस वाला ही लेंगे। तो लागत कितनी है, टोटल लागत कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा, कीमत कितना है 2x प्लस का 6 यानी 2 × x का पावर कितना है 6 जोड़ 3, 6 × 12 प्लस 3 यानी कि 15, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत जो हो गई कितने रुपए हो गए 15 रुपये टोटल लागत हो गई। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.3 के साथ।